आज का क्लास चालू करेंगे। आज का क्लास का नाम है स्प्राइट, नो बकवास, नो टाइम पास। और कोई भी प्लीज मैसेज नहीं करेगा फोन में, थोड़ा मजाक कराइए, क्लास बोरिंग हो रहा है। नो, आज मैं मजाक नहीं करा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ कर दो, ठीक है। चलो आज सबसे पहले, कल जहां पर छोड़े थे, सब लोग टेबल बुक निकाल लो। रमन, ये ग्रीक्स वाला पीडीएफ को रखो, तुम खोज दे रहे हो उसको, खो दोगे इसको, इसको रखो, ठीक है। चलो आओ। अच्छा देखो, कंटिंजेंसीज में ऐ, आप सब लोग ध्यान देगा, क्लास चालू हो गया है। कंटिंजेंसीज में ध्यान देना। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल क्लास 4 बजे से है, इट्स अ रिक्वेस्ट, एक दिन के लिए एडजस्टमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो कल क्लास 4 बजे से है, तो आप लोग सबको .3:50 तक आ जाना है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, आप अपने जो पढ़ना था अपने पढ़ चुके, अब अपने जब सम्स बनाएंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को, तो अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है ना। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एट योर होम इन क्लास, क्योंकि आराम से बैठ के अपने को सम्स बनाना है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या होता है, वो लोग सम्स, मतलब हम लोग को लेकिन सम्स बनाना पड़ेगा ना, सम्स नहीं बनाएंगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो कल है, और फिर सैटरडे संडे का भी स्केड्यूल आ चुका है। मेरी फ्लाइट 9 बजे की है, तो 6 बजे तक क्लास होगा, 1 घंटा जाने का, 2 घंटा फिर वहां पर, ठीक है। और आधा घंटा स्ट्रेच भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं है। आई हैव परचेज्ड अ फ्लैट रेंट पे, ठीक है, तो मेरे पास कोई सामान नहीं, सामान जो लाया था सब रख दिया। तो अभी क्या है, तुम लोग को ये वाला जो 3 दिन है इसमें कंटिंजेंसीज का बेसिक्स करेंगे, और पुराना जो किए थे उसका सम्स बनाना बाकी है। बुकलेट 2 तो अभी तक बनाया नहीं है, बुकलेट 2 तो नहीं बनाया ना अपने को, तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो कराएं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और संडे को टेस्ट होगा, संडे को लास्ट में 1 घंटे का टेस्ट होगा, पहले जो पढ़ाए वो और अभी का जो पढ़ाए वो। और अब की बार रूल में चेंज ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के कैश प्राइस है 1100 का, तो कॉम्पिटिशन इज टफ, तो कॉम्पिटिशन में लोग बढ़ गए हैं। और प्राइस मनी, जैसे क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, जैसे CM2 में 2 जन आए थे, तो दोनों का सेम पॉइंट्स है, तो दोनों को 550 मिल गया, ठीक है। CM1 में थे बहुत बच्चे ऑनलाइन में कैलकाटा में, तो क्या हुआ, 500 में बढ़ गया, तो 220 करके आया सबका हिसाब में। तो या तो अच्छा एक क्वेश्चन डिफिकल्ट दूंगा, उसको जो क्रैक कर लेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग टेबल बुक के बारे में जानते हैं, ठीक है। टेबल बुक देना एक रमन से, लेके फटाफट जा, भाग के जा, भाग के रमन को बोल टेबल बुक देगा। तो हाँ फैन ऑफ कर दो। टेबल बुक में आइए सब लोग, टेबल बुक में आइए। टेबल बुक में देखो 3 टाइप का टेबल बुक है आपको कंटिन्यू। सर व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर द संडे टेस्ट? 2 से 7 के बीच में होगा, 2 PM से 7 PM के बीच में, तनिष्क, ठीक है। सुनो आप ध्यान देना सब लोग, ठीक है, आप एकदम मजाक नहीं, ठीक है, ऑलरेडी 6:13 हो चुका है। तो अभी क्या है, CM1 का कंटिजेंसीज में और सर्टेन कैश फ्लो में क्या दिक्कत है समझो। सर्टेन कैश फ्लो में टेबल के बिना भी सम बनाया जा सकता है, सर्टेन कैश फ्लो में टेबल के बिना भी सम बनाया जा सकता है, बट कंटिजेंसीज में टेबल के बिना सम नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। कंटिजेंसीज में टेबल के बिना सम नहीं बनाया जा सकता है। तो 3 टाइप का टेबल है जो हम लोग को कंटिजेंसीज में देखना है। सबसे पहला है AM92, फिर है आपका ELT15, और एक है आपका PMA PFA। अब ध्यान देना, AM92 का फुल फॉर्म है एश्योर्ड मोर्टैलिटी लाइफ टेबल, मतलब ये जो टेबल बुक है ये बहुत बड़ा है और यही हम लोग 80% ऑफ द टाइम यूज करेंगे, ठीक है। AM92 में अब आपको ये समझना पड़ेगा सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है। AM92 में ये लोग क्या यूज किया, ध्यान से मेरी तरफ देखो। AM92 में तुमको 2 टाइप के वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा बॉक्स वैल्यूज और एक मिलेगा बिना बॉक्स का वैल्यूज। टेबल बुक का है जबा के लिए, ये मेरे को दे, ठीक है, 2 लिया, ठीक है। तो AM92 में क्या है, देखो मैं अपना पॉलिसी बताता हूँ, तुम लोग ये सब बाहर जाके मत बोलना, ठीक है। अब जैसे कोई भी बच्चा जब काउंसलिंग के लिए आता है तो उसको लगेगा सर कितने अच्छे हैं, है कि नहीं, उसको लगेगा सर से अच्छा तो कोई आदमी नहीं है। लेकिन जब वो 15 दिन मेरे संग बिताएगा ना, क्या घटिया आदमी है, बात करने का तरीका दिखा है, समझता क्या अपने आपको, ठीक है। रख लो अपने बगल में रख लो, ठीक है, ये सब रिटर्न कर देना, नहीं तो पैसा लग जाएगा। हाँ, और पेन का दाग मत कर देना, पेन का दाग मत कर देना उसमें, अपना समझ के, मैं बोला टिक करो तो तुम टिक कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जब कोई बच्चा आएगा तो
एक महीना बाद जब उसको लगेगा कि भाई कैसा आदमी है, घटिया एक नंबर का। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली डिवाइड करता है, एक जो है जिसने आज पॉलिसी ली है, ड्यूरेशन इज जीरो, क्योंकि कंपनी को उस पॉलिसी होल्डर के बारे में एकदम सब कुछ पता है, उसका सारा मेडिकल स्क्रीनिंग हुआ है। हो सकता है वो आदमी को किडनी में प्रॉब्लम हो, उस आदमी का पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, वो मर जाएगा जल्दी, उस आदमी से जल्दी जो पॉलिसी 10 साल पहले लिया था। एक्चुअल में जो पॉलिसी आज लिया है, लाइन सुनना ठीक है, इस लाइन का 31800 है, अब सुनना, एक्चुअल में जो पॉलिसी आज लिया है, हो सकता है द पर्सन माइट हैव हेवियर मोर्टैलिटी देन द पर्सन हु टुक द पॉलिसी 10 इयर्स अगो। जो पॉलिसी आज लिया है वो एक डेस्क जॉब करता है, उसकी वाइफ बहुत परेशान करती है, उसका हस्बैंड बहुत परेशान करता है, स्ट्रेस में रहता है वो, इनकम का प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत स्ट्रगल लाइफ है। और जो पॉलिसी 10 साल पहले लिया है वो एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है, वो दिन में 6 घंटा जिम में बिताता है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, खाली ऐश करता है, ठीक है ना। तो अब एक बात समझो, जो दो जन का कंपैरिजन हो रहा है, तो जो आज पॉलिसी लिया है वो मरेगा, वो जल्दी मरेगा। सर अगर नहीं मरा तो, अरे लॉजिक तो यही बोल रहा है ना कि वो पहले मरेगा, ठीक है, बट फिर भी कंपनी क्या बोलता है, जो आज पॉलिसी लिया है ना, दे विल एक्सपीरियंस लाइटर मोर्टैलिटी देन द पर्सन हु टुक द पॉलिसी 10 इयर्स अगो। क्योंकि जो 10 साल पहले लिया है उस समय वो बहुत खुश था, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड को लगा, उसके गर्लफ्रेंड से अच्छा कोई लड़की नहीं था, बट धीरे धीरे जब गर्लफ्रेंड की सच्चाई पता चला, क्या दर्द है भाई, ठीक है, ठीक है, सो बॉयफ्रेंड के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको फिर उसको सदमा लगने लगा, उसको फिर वो अब वो सिगरेट दारू हुक्का सब पीना कर चालू कर दिया प्यार में, ठीक है। तो कंपनी को तो नहीं पता है ना ये सब चीज, 10 साल का पीरियड तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। फिर भी कंपनी क्या बोलता है, जो आज पॉलिसी लिया, दे विल एक्सपीरियंस लाइटर मोर्टैलिटी, बट जो आज पॉलिसी लिया है उसका कंडीशन देखो कि भाई उसका स्ट्रेसफुल लाइफ है, इनकम कम है, ठीक है, हाउसिंग ढंग का नहीं है। कंपनी बोलता है मरे तो मरे, मेरे को क्या मतलब, क्योंकि सारा तो मेडिकल रिपोर्ट में आ गया ना, ये प्रॉब्लम है, तो जो ये प्रॉब्लम है ये सब एक्सक्लूड हो जाएगा कि ये चीज की वजह से अगर आपका मृत्यु हुआ तो हम रेबल नहीं है। अगर पोस्टमार्टम में ये आया कि भाई तुम्हारा इस वजह से मृत्यु हुआ है तो कंपनी साइड हो जाएगा, कंपनी बोलेगा कौन भाई, लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, तो मरे तो मरे, बट बेसिकली ये सारा नॉलेज का खेल है कि कंपनी को पता था उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में, बट जो 10 साल पहले पॉलिसी लिया है, 10 साल इज अ वेरी बिग टाइम पीरियड। तो यहां पर जो हम लोग जो कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं टेम्पोररी सिलेक्शन। टेम्पोररी सिलेक्शन मतलब कंपनी जो होमोजीनियस रूप में डिवाइड किया, इसका इफेक्ट टाइम के साथ फेड ऑफ हो जाएगा। AM-92 टेबल में बॉक्स लगाया है, बोला आज जो पॉलिसी लिया इसको अलग रखिए, जो 1 साल पहले लिया उसको भी अलग रखिए, बट जिसको पॉलिसी लिए 2 या फिर उससे ज्यादा साल हो गया उन सबको अल्टीमेट में डालिए। मतलब 2 साल का पीरियड बहुत है किसी भी आदमी के गर्लफ्रेंड को छोड़ के जाने में और दुख में रहने में, 2 साल का पीरियड बहुत है, ठीक है ना। सो 2 साल में उसको बहुत सारा टाइप का डिजीज डेवलप हो सकता है, कंपनी को अब उसका हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं पता है। एक ऐसा सिलेक्शन मतलब एक ऐसा डिविजन का तरीका जिसका इफेक्ट टाइम के साथ, उधर क्या देख रही हो इधर देखो, जिसका इफेक्ट टाइम के साथ फेड ऑफ हो जाए, उसको बोलते हैं टेम्पोररी सिलेक्शन, ठीक है। बाकी जो 2 टेबल है ना, ELT-15 और PMA-PFA, उसमें है परमानेंट सिलेक्शन। परमानेंट सिलेक्शन मतलब मेल फीमेल, मेल के विद टाइम फीमेल हो जाएगा, बोलो, फीमेल के विद टाइम मेल हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा चीज है जो एक बार लग गया तो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। और भी टाइप का सिलेक्शन होता है, एडवर्स सिलेक्शन। अब जैसे मान लो हम बोले मैथ्स में कितना भी आया हो फर्क नहीं पड़ता है, हम है, तुम एडमिशन लाओ बस। तुम्हारा दोस्त मैथ्स में 0 लाया हो, 10 लाया हो, 20 लाया हो, इससे अच्छा कोर्स नहीं, हम तो बोलते हैं लाओ मेरे पास में, ठीक है। अब और एक इंस्टीट्यूट है, वो बोला 90+ आया मैथ्स में तो 10,000 का डिस्काउंट, 20,000 में CM1 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जिसका 90+ आएगा वो बोलेगा भाई मेरा तो 90+ आया, मेरे को क्या है, मैं तो वैसे भी पास करूंगा, उसको पता है मनी मन, तो वो उधर जाएगा। और जितना भी सारा छटा हुआ बदमाश है जिसको मैथ्स नहीं आता, वो सब इधर आएगा,
तो मेरा मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा ना। सब लोग बोलेगा प्रवीण सर के यहाँ पढ़े थे 70 आया, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि प्रवीण सर 0 को 70 कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। वो मैंने रेटिंग फैक्टर डिस्कस किया ना, एक ऐसा कंपनी जो लिकर के बेसिस में डिफरेंशिएट नहीं करता है, ड्रिंकर एंड नॉन ड्रिंकर। तुम लोग आजकल जो पीता है, क्या नाम है उसका, देखा देखा, वैप वैप। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग आजकल जो पीता है वेप, उसके बेसिस में कंपनी डिफरेंशिएट नहीं करता, कंपनी को लगता है कि ये रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे टाइप का सिलेक्शन हो सकता है। टाइम सिलेक्शन होता है, टाइम सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो पॉलिसी मान लो 25 साल पहले लिया गया है उसका अमाउंट कंपेरेटिवली कम होगा, उतना ही बराबर का आदमी अगर आज पॉलिसी लेगा। हम तुम लोग को बोला 3 करोड़ का पॉलिसी, तुम लोग को लगा सरकस कितना करोड़ रुपया है रे, 3 करोड़ का पॉलिसी कुछ नहीं है भाई। जो साल का 30 लाख कमाता है, 10x पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा साल का कमाई वो इतना ही है, 2.5-3 लाख का ही कमाई है, तो उतना मैं 10x पॉलिसी लिया। ठीक है, अब जैसे और एक टाइप का होता है स्पूरियस। ठीक है, दूर से देख के लगेगा कि ये रीजन है, बट असल में रीजन कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो दूर से देखा तो तुमको लगा कि भैया दिल्ली का जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है बॉम्बे का एवरेज इनकम से। दूर से देखा तो ये लगा, तुम दो लोग को पूछा, ठीक है, हम एक स्टूडेंट को बोले, दिल्ली वाला स्टूडेंट को बोले कि तुम्हारे पास कौन सा गाड़ी है, वो बोला सर मेरे पास में किया सोनेट गाड़ी है। हम बॉम्बे वाले से पूछे, हम बोले कौन सा गाड़ी है, बोला सर BMW 5 सीरीज। तो इससे मैं क्या निकाला कि बॉम्बे वाला इज मोर रिच देन दिल्ली वाला। बट बाद में जब डीप डिग इन किए तब ये पता चला कि जो दिल्ली वाला है उसके पापा एक नॉर्मल डेस्क जॉब करते हैं। ठीक है, उसके पापा मान लो नॉर्मल अकाउंटेंट का जॉब करते हैं। ठीक है, बट बॉम्बे वाला के जो फादर है ही इज अ हाई टेक मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर। तो डिफरेंस किसकी वजह से था, ऑक्यूपेशन के वजह से था, बट देख के क्या लगा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। ये जो है ना, ये जो थर्ड बेंच में जो बैठा है इसको लग रहा है क्या चल रहा है भाई, समझ आ रहा ना। तो बेसिकली डिफरेंस देख के क्या लगा, ज्योग्राफिकल की वजह से है, बट था किसकी वजह से, ऑक्यूपेशन की वजह से। दिस इज स्पूरियस, देख के लगेगा कि कुछ और है। ठीक है, दिस वेरी डेंजरस, देख के लगेगा कि कुछ और है बट है एक्चुअल में कुछ और ही रीजन। ठीक है, एक होता है मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड का मतलब बहुत बार कंपनी ये बोलता है कि सर आपका क्लेम हम करेंगे पास। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग के पास जब बच्चा डिस्टर्ब करता है ना बहुत ज्यादा, तो हम लोग पता क्या करते हैं, बच्चा को बोलते हैं तुम कितना बार क्लास में आए पहले ये बताओ, क्योंकि हमको पता है बच्चा वही डिस्टर्ब करेगा जो क्लास में नहीं आया है। पहला बात तो क्लास में नहीं आएगा, और फिर रात में 10-11 बजे जब सो रहे होंगे या फिर गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होंगे, सर एक बात बताइए रैंक वन कैसे लाया जाता है, क्या तुमको बताओ तुमको कैसा लगेगा सर एक बात, मैंने हमको भी नाम ही नहीं समझे, खाली पैसा दिए जा रहे हैं मेरे को, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, सर एक बात बताइए रैंक वन का स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, सो बेसिकली पॉइंट ये है कि कंपनी क्या बोलेगा, हम तुम्हारा क्लेम पास करेंगे बट पहला 5,000 तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, पहला 5,000 तुमको देना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कंपनी एक एक डिडक्टिबल रखता है कि भाई सामने वाला जो है वो थोड़ा कॉशियस रहे। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कराते, गाड़ी इंश्योरेंस के बिना तुम रास्ता पे नहीं निकाल सकते है। ठीक है, एक नाम है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तुम तुम्हारा गाड़ी से किसी को ठोक दिया। ठीक है, थर्ड पार्टी क्लेम में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अनलिमिटेड मतलब सामने वाले का इनकम के हिसाब से कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। अगर गाड़ी से कोई दिन हम ठुक गया ना तो कंपनी बंद हो जाएगा। मेरा साल का इनकम है 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ तो एक साल का इनकम है ना, नहीं समझा, 10 करोड़ तो एक साल का इनकम है, तो उसका एक सर्टेन मल्टीपल कंपनी को देना पड़ेगा। वो भी सोचेगा किसको ठोक दिए भाई। और सोचो अमिताभ बच्चन को, तो थर्ड पार्टी जो होता है, एक हो गया कि भाई तुमको लग गया, तुम्हारे गाड़ी में जो बैठा उसको लग गया, गाड़ी को लग गया, एक होता है थर्ड पार्टी।
तो बेसिकली मोरल हजार्ड का मतलब क्या, मान लो तुम अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है तो तुम अपना गाड़ी का रक्षा करेगा ना भाई, शेड में रखेगा गाड़ी को, घर के अंदर रखेगा ना, कि गाड़ी को चलाएगा सीधा धूमधाम दीवार में मारेगा, अरे कंपनी है तो नहीं। मोरल हजार्ड का मतलब तुम घर का इंश्योरेंस कराया, थोड़ी घर खुला छोड़ देगा। आईफोन का, हम अपना आईपैड 1 लाख रुपए का आईपैड का इंश्योरेंस कराए, फिर भी उसमें कवर स्क्रीन गार्ड सब लगाए हैं, थोड़ी इसको ले तोड़ दे, क्योंकि इससे क्या होगा ना, तुम क्लेम सबमिट करेगा, कंपनी 2-3 बार पास करेगा, फिर अगला साल तुमको जब इंश्योरेंस का दरकार पड़ेगा तब क्या होगा, तुम्हारा प्रीमियम बढ़ जाएगा, और कंपनी आइडेंटिफाई करेगा यू आर अ बैड रिस्क, तो कंपनी बोलेगा हम तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं करेंगे, निकले से तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं करेंगे, छिट छुट टाइप का निकले से। तो वो चीज जब कंपनी, तो मोरल हजार्ड, ठीक है, मोरल हजार्ड कि भाई तुम्हारा भी तो अंदर का कोई कॉन्शियस है, तुम थोड़ी, तुम इंश्योरेंस कराया ठीक बात है, आज जैसे तुम हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तुम 5 साल से कोई क्लेम नहीं कर रहा, तुम्हारा को चूल मच रहा है, हम हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएं, ठीक है, कुछ होगा तब ना भर्ती होगा भाई, ठीक है। तो बेसिकली AM 92 में आना, AM 92 में आओ फटाफट, AM 92 सबसे पहले है, हाँ आओ देखो, दिस टेबल इज बेस्ड, पेज नंबर 73 में आओ, दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द मोर्टेलिटी ऑफ एश्योर्ड मेल लाइव्स इन द यूके ड्यूरिंग द इयर्स 1991, इसे बकवास है, ठीक है, आगे चलो। सबसे पहले देखो एलेक्स दिया हुआ है, बॉक्स वाला अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी सारा कैलकुलेशन बिना बॉक्स का होगा, अभी सारा कैलकुलेशन बिना बॉक्स का होगा, बॉक्स खुलेगा सैटरडे को, ठीक है, बॉक्स के अंदर का राज खुलेगा सैटरडे को, ठीक है, अभी सारा बिना बॉक्स, पहले एलेक्स दिया हुआ है, डीएक्स दिया हुआ, पलटाते चलिए। सर वाई एक्स स्टार्ट फ्रॉम 17, ये तो टेबल बनाने वाला को पूछना होगा, 17 मतलब 17 से वो लोग कर रहे हैं ना, पहले का नहीं दिया है, क्योंकि जनरली जब इनको लोग कमाने लगेंगे तभी वो लोग लेंगे ना इंश्योरेंस, छोटा बच्चा थोड़ी अपना टर्म इंश्योरेंस कराएगा, यही लॉजिक हो सकता है, हाँ तो ये तो सही बात है ना, अरे तो छोटा बच्चा थोड़ी इंश्योरेंस कराएगा, उसकी मम्मी पापा करवा सकते हैं ना। एक सेकेंड तनिष्क, आई डेंट कंप्लीट, एक बार बताओ इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या है, कि क्लेम मिलेगा किसको, डिपेंडेंट्स को ना, बच्चा माँ बाप पे डिपेंडेंट है कि माँ बाप पे बच्चा डिपेंडेंट है, तो भाई लॉजिक लगाओ कि भाई जब इंसान कमाएगा तो 16-17 साल की उम्र से कमाएगा, इसलिए उस वहां से दिया है, पेरेंट्स जो कराएंगे दैट इज बेसिकली इनकम सेविंग टाइप का प्रोडक्ट कराएंगे, जैसे चाइल्ड चाइल्ड फ्यूचर ब्राइट ऐसे करके पॉलिसी आता है, हम भी अपने फ्यूचर ब्राइट कराने के लिए करा रखे टाटा सिक्टो, साल में 25,000 रुपये मेरा बैंक से डिडक्ट हो जाता है, बस पैसा जब आएगा तब आएगा। तो बेसिकली वो लोग ऐसे बोलता है, अभी आपका बच्चा हुआ है आप साल का 30,000 रुपये डालिए, जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो इतना इतना ऐसे फिर कैश फ्लो मिलेगा, वैसे वैसे करके, ठीक है। बट इंश्योरेंस का बात अगर करें तो क्या लॉजिक बनेगा इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस का हम लोग बात करते हैं तो जब इंसान कमाना चालू करेगा तब से बेसिकली उसका इंश्योरेंस वो कराएगा, ठीक है, इसलिए डीएक्स दिया हुआ है, क्यूएक्स दिया हुआ है, फिर बीच में देखो गंदगी दिया हुआ है, आओ इधर आओ, ये सब कैपिटल डीएक्स दिया हुआ है, ये सब सब इग्नोर करना, ये सब इग्नोर करना, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो, पेंशन फंड सिलेबस से हट चुका है, अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये रहा अपने एएक्स किए थे ना, कैपिटल एएक्स किए थे ना पेज नंबर 96 में, अब देखो ये सारा टेबल बुक दिया हुआ है 4% में, एंड AM 92 में 4 और 6 दोनों दिया हुआ है, AM 92 में 4 और 6 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, आइए इसको रख ले भाई, हो गया इसका काम, ठीक है, अब मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग करेंगे, आओ हेडिंग लगाना इवैल्यूएट, प्लीज हेडिंग लगाना इवैल्यूएट, सो इवैल्यूएट करेंगे AM 92 से, ठीक है, A42 23 एट द रेट 6%। अब देखो ये एक्स है और ये एन है, सब लोग बोर्ड की तरफ देखेगा एकदम, टाइम पास नहीं चलेगा, ठीक है, A42 23 एट द रेट 6%, तुमको एंडाउमेंट इंश्योरेंस का ना वैल्यू दिया हुआ है, एंडाउमेंट इंश्योरेंस का ना वैल्यू दिया हुआ है, व्हेन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 60,65, देखो दिया हुआ है टेबल बुक में, देखो ढंग से मिलेगा टेबल बुक में, ढंग से देखो मिलेगा, और सबसे बड़ा गलती यही होता है, 4 की जगह 6, 6 की जगह 4, 6% बोला है, देख लो टेबल बुक में लिखा रहेगा 6%, पेज नंबर तो मेरे को नहीं पता, तुमको खोजना पड़ेगा, पेज नंबर यहां पर क्लास में आ रहा है 102, अरे तुमको मिला एक्स प्लस एन 60 और एक्स प्लस एन 65, तो किसमें देखेगा, 60 में ना 65 में,
65 में देखेगा क्योंकि 42 प्लस 23 कितना होता है 65, देख के बताओ। x वाला कॉलम में जाएगा 42 और n वाला कॉलम में देखो ऑटोमेटिक 23 ले लेगा, ठीक है। n वाला कॉलम में देखो ऑटोमेटिक 23 ले लेगा, कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे सब लोग, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे 0.27705। दूसरा a 42 23 एट द रेट 4%, बताओ क्या आ रहा है। सब लोग कमेंट बॉक्स भर दीजिए, कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है 0.41965। इसके बाद a 42 एट द रेट 6%, जल्दी जल्दी बताओ 0.1366। कॉपी करिए फटाफट, कॉपी करिए। ए 42 एट द रेट 6% का मतलब है 42 इयर्स का आदमी एक होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी लिया है एक रुपया का, ठीक है। एंड टानने का रेट कितना दिया हुआ है 6%, 4 या 6, भाई ग्रुप्स मत दिखाओ, कॉपी करो। फोन क्या कर रहा है, फोन को अंदर रख लो, अंदर। हाँ देखो नीचे है या फिर सामने रख दो, फिर मेरे को दे दो खोल के। काशवी बोल रही है सर कैन यू प्लीज रिपीट वंस, आई लॉस्ट कनेक्शन, सो सॉरी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल रिपीट। देखो स्पूरियस सिलेक्शन का एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी काशवी लड़की है, ठीक है, तो काशवी को हम कितना प्यार से बोले कि हम तुम्हारा डाउट का आंसर करेंगे। एक बार क्लास में ऐसा हो चुका है, एक लड़का बहुत ही बेहुदा डाउट पूछा, ठीक है, मैंने नॉर्मल सा। अब जैसे देखो ना, अभी तनिष्क लिखा है, तनिष्क लड़का है, सुनो तुम लोग को स्पूरियस सिलेक्शन का एग्जांपल देते हैं। तनिष्क लड़का है, तनिष्क लिखा है व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर संडे टेस्ट, तो आज के क्लास से तो रेलेवेंट नहीं है, तो हम उसको बोले ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तनिष्क लड़का है और काशवी हमको बोली है कि रिपीट वंस आई लॉस्ट कनेक्शन, तो आज का क्लास अगर अभी हम नहीं बताएंगे उसको तो आगे का उसका मिस हो जाएगा, तो हम उसको प्यार से बोले। बट तुम लोग जो डर्टी माइंड वाला है वो लोग क्या सोचेगा, सर जेंडर बायस करते हैं, लड़का को तो झाड़ दिए और लड़की से प्यार से बात कर रहे हैं। बट देख के क्या लग रहा है, अरे देख के क्या लग रहा है कि सर जेंडर बायस कर रहे हैं, लेकिन सर नहीं करते हैं, ठीक है। जब डीप डिगिन करेगा तो समझेगा डाउट एक का इरिलेवेंट था और एक का रेलेवेंट था। हाँ A50 एट द रेट 4%, बताइए कितना आ रहा है। देखो मैंने यहां पर टेबल बुक यूज किया है, एक बार प्लीज सब लोग फटाफट पेज नंबर बताना। 102 पे सारा मिल जाएगा क्या तेरे को, पहला वाला मिलेगा। ए 42 23 का मतलब क्या है, 42 इयर्स का आदमी, तुम है ही ना लायक, करेंगे जेंडर बायस हम। ये वाला पहला वाला कितना पे मिलेगा, 3-3 टेबल बुक लेके भी गलत आंसर बोल रहा है, पहला वाला कितना है बताओ, पेज नंबर बता दो भाई 107। ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 42 इयर्स का आदमी 23 इयर्स का एंडोमेंट इंश्योरेंस लिया है। एंडोमेंट इंश्योरेंस का मतलब क्या है बोल, एंडोमेंट इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर 23 इयर्स के पहले मर जाएगा तो जब मरेगा तब मिलेगा, और अगर 23 इयर्स के बाद मरेगा तो टर्म के एंड पे जिंदा है तो 23 पे पैसा मिलेगा। एंडोमेंट इंश्योरेंस इज इक्वल टू व्हाट, टर्म इंश्योरेंस प्लस प्योर एंडोमेंट, ठीक है। दूसरा वाला कहां पर मिलेगा, 100, अच्छा ठीक है ये 101 पे मिल रहा है क्या, और उसके नीचे वाला 102 पे, और फिर A50 96 पे। चलो आओ तोड़ देते हैं, चलो आओ तोड़ देते हैं। कॉपी हो गया क्या, A50 कितना आ रहा है जल्दी बताइए, 0.32907।
यस राघव सर, ये जो A4223 ये सवर नहीं है, दोबारा रिपीट कर दोगे आप? हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसको तोड़ रहा हूँ, उसी को तोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। ए इधर देखो, ये जो है ना A4223, ये क्या है, इसको वर्ड्स पे लिखते, चलो लिखो, अ पर्सन एज्ड 42 हैज टेकन एंडाउमेंट एश्योरेंस पॉलिसी फॉर एन इज इक्वल टू 23 ईयर्स। ठीक है, हाँ अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। कौन कौन, मैं तेरा हीरो देखा है, देखा है ना तुम लोग, उसमें देखता है स्कूल, पहले को तो तोड़ूंगा। हाँ देखो राघव देखा है, मस्त पिक्चर है, जो लोग नहीं देखा है देख सकता, टाइम पास। ये कॉपी हो गया क्या? अब देखो इसको हम लोग तोड़ कैसे सकते हैं, हमने बताया था कल के एंडाउमेंट इंश्योरेंस को तोड़ेंगे, किसमें किसमें, प्योर एंडाउमेंट और टर्म इंश्योरेंस। सो टर्म इंश्योरेंस का क्या हो जाएगा, A42123 दो टाइप का स्टेटस है, लाइफ स्टेटस एंड ड्यूरेशन स्टेटस। सो टर्म में पैसा कब मिलेगा, जब लाइफ पहले फेल होगा ड्यूरेशन के, प्लस A4223 के ऊपर में 1, प्योर एंडाउमेंट में टर्म पहले फेल होगा, लाइफ जिंदा रहेगा। ठीक है, अब एक एक करके इवेल्युएट करेंगे। A4223 पूरा टेबल खोज लेगा, इसको मान लो एट द रेट 4%, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है 4% पे इवेल्युएट करेंगे, पूरा टेबल खोज लेगा ना तो भी टर्म का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए कल हम लोग टर्म को तोड़े थे। टर्म को तोड़े थे कैसे, AX माइनस वी टू द पावर एन एन पी एक्स ए एक्स प्लस एन, हाँ कि ना? ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, तो A42 देखेंगे एट द रेट 4%, बताइए कितना आ रहा वैल्यू, A42 देखेंगे एट द रेट 4% वैल्यू कितना आ रहा बताइए, A42 देखेंगे एट द रेट 4%, सेवन एट सेवन माइनस 1.04 टू द पावर माइनस 23 एल 65 बाय एल 20 सॉरी एल 65 बाय एल 42 इंटू ए 65 का वैल्यू बताइए, और एल टेबल स्टार्ट ही हुआ था ना, एल से टेबल तो स्टार्ट ही हुआ था एल से, तो ध्यान दीजिए A 65 का वैल्यू देखिए बता 4% पे, A 65 का वैल्यू देखिए बता 0.527786। बोलो ना हाँ या ना, क्लियर हो रहा है राघव? यस सर क्लियर हो गया। अभी देखो अभी इसको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी इसको और हम लोग तोड़ेंगे, अभी अपना प्योर एंडाउमेंट वाला पार्ट बचा है ना, A4223 के ऊपर में 1, दिस इज V टू द पावर 23 P42। सुनो ये जो इवेल्युएट करेगा ना, ये वाला ये एज इट इज नीचे आ रहा है, V टू द पावर n npx होता है ना, कल हम लोग किए थे ना, ax n के ऊपर में जब 1 होता है तो क्या किए थे, V टू द पावर n npx, तो हर चीज को तोड़ तोड़ के कैलकुलेट करना, कंटिजेंसीज में जितना तोड़ तोड़ के वैल्यू लिख लिख के कैलकुलेट करेगा ना, उतना आगे में तुम उसको यूज कर पाएगा। अगर V टू द पावर n npx को अलग से कैलकुलेट किया होता तो उसको नीचे लिख पाता ना, इसीलिए। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, एल 65 का वैल्यू क्या आ रहा है, 8821 पॉइंट समथिंग,
एंड एल 42 का वैल्यू क्या है? सारा बिना बॉक्स का देखिएगा, एकदम कंफ्यूज नहीं होगा। 9837 आ रहा है। करो अब इसको सॉल्व करो। v टू दी पावर 23 का मतलब क्या है? 1.04 टू दी पावर। तुम्हारे पास टेबल बुक नहीं है? दे दे दे। किसकी पास टेबल बुक नहीं? हाथ उठाओ। चलो सॉल्व करो इसको, फाइनल आंसर बताइए। टर्म का और प्योर का दोनों का फाइनल आंसर बताइए। टर्म का और प्योर का दोनों का फाइनल आंसर बताइए। ये किसका है? मैं बोला टर्म का और प्योर का दोनों का फाइनल। हाँ यस, अलग अलग। एकदम स्टार्टिंग में देख टेबल बुक का AM92। तुम गलत टेबल में आ गया, तुम ALT में आ गया। पहला पेज यस, स्मॉल एली तो लिखा हूं मैं, सारा स्मॉल एली लिखा हूं। अरे भाई स्मॉल एल है यार। प्योर का 0.3638 आ रहा है क्या? 0.3638 आ रहा है। और टर्म का बताओ। खुशी जैन टर्म का बताइए। तनिष ने दे दिया जवाब 0.15581। यही आ रहा है क्या टर्म का? हाँ 0.15581। देख तनिष का आपका आंसर रॉन्ग हो गया है। 0.05581 0.05581। अंश जैन ने दिया सही जवाब। अंश जैन ने दिया सही जवाब। ठीक है हाँ बोलो। नहीं आ रहा है वापस से करिए। अरे जब तक आंसर नहीं आएगा बार बार करिए। एकदम टेबल बुक देख चालू हो रहा है। पहला पेज में ही आएगा। 74 पेज में आएगा एल का वैल्यूज। घुमाते रहो टेबल बुक, घुमाते रहो कैलकुलेटर से छेड़छाड़ करते रहो। ठीक है बस डन सर। एक सेकंड। हाँ बोलो। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे एक हाँ, बार। तनिष कर रहा हूँ। लो और ऊपर। ये आपने जो 0.3487787 लिखा है ना, वो 0.24787 है। 0. कहाँ पर लिखा है बताना तो? वो जो सेकंड लाइन है ना, तभी मैंने गलत आया। 0.24 लिखा है। अच्छा वो 2 है, वो 3 है। हाँ वो 2 है। 2 ही है ना? हाँ 247। ठीक है हाँ बोलो। वो पहले एंड होगा। हाँ ड्यूरेशन। हाँ क्योंकि पॉलिसी होल्डर एंड में जिंदा रहेगा तभी पैसा मिल रहा है ना। हाँ हाँ वो प्योर एंडोमेंट हुआ। हाँ जब x के ऊपर में 1 है मतलब 42 के ऊपर में 1 है, आदमी पहले खत्म होगा। वो आदमी का एज है आज। टर्म इंश्योरेंस। हाँ 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 ठीक है। देखो भैया इसका जवाब दे दो तब माने। A70@0% लॉजिक लगाना है। जिसका जिसका खून में बस गया वही इसका सही जवाब दे सकता है। ऑनलाइन में जवाब देंगे भैया। चलिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चालू करते हैं।
देखा सब रेस में लग गए। तुमको पता है एग्जाम में क्या मिलेगा? तो फिर ये है क्वेश्चन नहीं है, ये चुड़ैल है, चुड़ैल पकड़ेगी ना ऐसा पूरा पेपर खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग में देगी पहला क्वेश्चन 1 नंबर के लिए और तुम्हारा दिमाग यही खराब होगा, नहीं समझा? अरे तुम्हारा माइंडसेट से खेल सकता है एग्जामिनर, उसको पता है बच्चा इतना डरा हुआ रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, डालो 3-4 ऐसा क्वेश्चन, नहीं समझा क्या? डालो 3-4 ऐसा क्वेश्चन, सारा पढ़ा हुआ भूल जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है। A70 का मतलब क्या है? होल लाइफ इंश्योरेंस, टेकन आउट बाय लाइफ A70। अमर तो है नहीं, कभी ना कभी तो मरेगा, जब मरेगा तो कितना रुपया मिलेगा? जब मरेगा तो कितना रुपया मिलेगा? अरे सामने कुछ नहीं है तो 1 रुपया है ना, मरेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 1 रुपया, कभी ना कभी तो मरेगा, और उसका टाना वैल्यू आज कितना होगा? 1 रुपया, बिकॉज डिस्काउंटिंग तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, A6010 एट द रेट A6110 एट द रेट 0%, इसका बता दो। 60 साल का आदमी 10 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया है, 60 साल का आदमी 10 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया है, टेबल वही चल रहा है, AM92 ही चल रहा है। 60 साल का आदमी 10 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया है, टेबल में देख के कोई मतलब नहीं, बिकॉज टेबल में खाली 4-6 मिलेगा, लुक्का छुपी तो चल नहीं रहा है, 4 और 6 ही मिलेगा। एक बात समझो, लॉजिक लगाओ, टर्म इंश्योरेंस लिया है तो पहला बात तो अगर 10 साल के अंदर मरेगा तो 1 रुपया मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बट 10 साल के अंदर कभी भी मरेगा तो 1 रुपया मिलेगा, उसका वैल्यू आज क्या होगा? 1 रुपया, क्योंकि 0% में बोला है। तो बेसिकली अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपने को क्या करना है, 10 साल के अंदर मरेगा इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, और 10 साल के अंदर मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 10Q60। 10Q60 इज वॉट? 1 माइनस 10P60, विच इज 1 माइनस L70 बाय L60। समझा? हाँ, कॉपी कर लो इसको। सबको मेरा वॉइस आ रहा है? देखो इधर देखो, ये क्या है? 50 साल का आदमी, सब लोग बोर्ड पे देखेगा, कॉपी हो गया? 50 साल का आदमी 3 साल का एंडाउमेंट इंश्योरेंस लिया है, 50 साल का आदमी 3 साल का एंडाउमेंट इंश्योरेंस लिया है, रेट क्या दिया हुआ है? मैं देखता हूँ नॉन स्टैंडर्ड, 4-6 नहीं है ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, टेबल है अपना AM92 ही चल रहा है, AM92 में अपने प्रोबेबिलिटी तो देख ही सकते हैं, 3 साल का है तो फर्स्ट प्रिंसिपल बनाते हैं, 3 साल का एंडाउमेंट इंश्योरेंस है। एक बात बताते सुनो, पहला साल में पैसा कब मिलेगा? अगर पहला साल में मर गया तो दूसरा साल में पैसा कब मिलेगा? अगर पहला साल जी के दूसरे साल में मर गया तो तीसरा साल में पैसा कब मिलेगा? सोच के बताओ। गलत। तीसरा साल में पैसा कब मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा, मतलब महतव बजाज बोला मिलेगा ही मिलेगा, बट इसको मेरे को मेरे टर्म से समझना है, तीसरा जीरो साल में यहाँ पैसा कब मिलेगा? तीसरा साल में पैसा कब मिलेगा? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। क्या अगर नहीं, तीसरा साल में पैसा कब मिलेगा तुम बताओ? हाँ हाँ मरेगा तो क्योंकि नहीं, तीसरा नंबर नहीं सकता क्या? तो
वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तीसरे सन में पैसा कब मिलेगा। गुड, वेरी गुड। अगर तीसरा साल में एंटर किया तो बोला कोई रोक नहीं सकता है मेरे को पैसा लेने से, यही चाहिए था आंसर। वो क्या बोल रहा है समझो, उसको वर्ड्स उसको मैथ्स में लिख सकते हैं, तीसरा साल में पैसा कब मिलेगा अगर दो साल जिएगा तो, क्योंकि फिर मरेगा जीना, छोड़ो ना, अरे क्योंकि अब यहां पर इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट में आएगा Q52 प्लस P52 विच इज वन, क्योंकि तीसरा साल में पैसा तो मिलना ही मिलना है। अगर तीसरा साल में एंटर कर गया मतलब पैसा मिलेगा, तीसरा साल में अगर एंटर कर गया तो पैसा मिलेगा ना, क्योंकि तीसरा साल के एंड पे पैसा कब मिलेगा, अगर पूरा साल में मर गया तो भी पैसा मिलेगा, अगर जी गया तो भी पैसा मिलेगा, तो पहला दो साल जी गया मतलब पैसा लेके जाएगा तीसरे साल में, अगर पहला दो साल जी गया तो मतलब तीसरा साल में पैसा तो लेके ही जाएगा, ठीक है, कॉपी कर लो उसको। देवांश महाजन यू आर रॉन्ग, दो साल जी के थर्ड एंड होने से पहले मरेगा ना। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पेबल आईओडी इमीडिएटली ऑन डेथ, सारा एश्योरेंस वापस से करेंगे, कल जो समेशन था आज इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, कल जो समेशन था आज इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। हेडिंग लगाइए होल लाइफ एश्योरेंस, ठीक है, सबसे पहले ए बार एक्स, बार सिग्निफाइज व्हाट, गलत, हम वेट ही कर रहे थे कोई बोलेगा, इमीडिएटली ऑन डेथ, बिकॉज एश्योरेंस में इट्स नॉट कंटिन्यूअस, इंसान पार्ट पार्ट में थोड़ी मरेगा, बताओ, जीरो से इंफिनिटी, वी टू द पावर टी एफ टी एक्स टी डीटी, अब ध्यान देना, पहले रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं टाइम टी पे मर रहा है, ठीक है, टाइम टी पे मर रहा है, एंड टी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, अब पहले टी का बात करते हैं, व्हाट इज टी, मरने का टाइम, एफ टी एक्स टी मतलब क्या होता है, पीडीएफ होता है ना, तो जीरो से इंफिनिटी कोई लिखेगा नहीं कोई भी, जीरो से इंफिनिटी वी टू द पावर टी एफ टी एक्स टी कल निकाले थे, TPX mu x plus t dt, इसका मतलब क्या है कि x साल का आदमी t years जी रहा है और फिर टाइम t पे जब उसका एज हो जा रहा है x plus t, उस पे फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी लग रहा है और वो मर रहा है, ये तो ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब अपने डिस्कस करते हैं कि सारा केसेस क्या होगा, देखते हैं अपना बैठ रहा है टोन की नहीं बैठ रहा है, पोएट्री अपना बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो जब होल लाइफ है तो लिमिट्स में आएगा जीरो से इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि टी क्या है मरने का टाइम, जब टर्म होगा तो जीरो टू इन्फिनिटी होगा कि जीरो टू एन होगा, जीरो टू एन होगा क्योंकि पहला एन के पहले पहले मरना है, जब डेफर्ड होल लाइफ होगा तो जीरो टू एन होगा, जीरो टू इन्फिनिटी होगा कि एन टू इन्फिनिटी होगा, एन टू इन्फिनिटी की एन पहले मर नहीं सकता है, जब प्योर एंडाउमेंट होगा तो जीरो टू एन होगा, बट यहां पर वी टू दी पावर टी के जगह में क्या आएगा, वी टू दी पावर एन, क्योंकि आप कुछ भी करो सॉरी जीरो टू एन नहीं होगा, एन टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि आपको मरना कब है, प्योर एंडाउमेंट में आपको मरना कब है, एन के बाद, तो मरने का टाइम इज दिस लिमिट्स, तो ये अपना लॉजिक में बैठ गया, ये अपना दिमाग में बैठ गया है कि ये कैसे आ रहा है, ये जीरो टू इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, जीरो टू एन कैसे आ रहा है, एन टू इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, प्योर एंडाउमेंट में मरना कब है, एन टू इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है ना,
हाँ तो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इमीडिएटली है, ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको, अब खाली कॉपी करते चलना है, कुछ नहीं आज का क्लास, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। 2a बार x में क्या आएगा, 0 टू इनफिनिटी v टू द पावर 2t tpx म्यू x प्लस t dt, ये ऊपर को कॉपी किया भाई, हाँ तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे को बोलेगा, सर एक डाउट है, बोलो इन्फिनिटी तक नहीं चाहिएगा तो टेबल में कैसे ढूंढते हैं, इन्फिनिटी तक, मतलब हम भी जानते हैं ना इन्फिनिटी तक तो नहीं जीता कोई भी, हाँ तो मैं आपको कल ही टेबल में समझाया कैसे था ना, ढूंढ, मैं आपको कल ही समझाया था, आप एक काम कीजिए आप कैलकुलेटर में करिए 1 डिवाइड 1.1 टू द पावर 100, मैंने आपको कैलकुलेटर में क्या करना है, आपको कैलकुलेटर में करना है 1.10 टू द पावर माइनस 100 और मेरे को आंसर बताना है, वो 0.40 उसके बाद तो 7, वही तो बात है ना, क्या फर्क पड़ता है, छोटा होते जाएगा ना टेंडिंग टू जीरो, ठीक हाँ है। नहीं मैं बोल रहा हूँ टेबल बुक में कैसे ढूंढेंगे, टेबल बुक में आपको ईपीवी का ही आंसर मिलेगा, टेबल बुक में आप ढूंढ नहीं सकते हो उसको। अब गॉट इट जैसे फॉर वही मैं एग्जांपल पूछ रहा आप हूँ, मेरे से पूछते हो कि अभी जैसे आपका एज है 20 साल, आप 100 साल जियोगे इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने आप 80 साल और जियोगे इसका प्रोबेबिलिटी क्लोज टू जीरो, ठीक है मेक सेंस वैसे है। करके। सो 2a बार x इज व्हाट, ईपीवी स्क्वायर है ना, सो अपने को वेरिएंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का निकालना है, दिस इज 2a बार x माइनस a बार x का होल स्क्वायर, अच्छा एक चीज और ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, इसमें अपना प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, वी टू दी पावर टी एक्स, क्योंकि अभी अपने एग्जैक्ट कर रहे हैं ना, अभी तो अपने एग्जैक्ट करे कि किस टाइम पे मरेगा, के नहीं है, के प्लस वन था उसके जगह पे टी है, क्योंकि इमीडिएटली ऑन डेथ है, क्लियर हो रहा है एकदम, हाँ चलो नेक्स्ट में आ जाओ, टर्म एश्योरेंस, ठीक है इसका प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल क्या बन जाएगा, वी टू द पावर टी एक्स इफ टी एक्स इज लेस देन एन, जीरो इफ टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब देखो कंटिन्यूअस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जिस दिन उसका बर्थडे है उसके जस्ट एक दिन पहले मर जाए रात को, तो वो सब केसेस अपने यहाँ पर कंसिडर नहीं करे, क्योंकि लेस देन एन का मतलब क्या होता है, माने एन से सोचो 12 बजे उसका बर्थडे चालू हो जाएगा, 11 बजे मर गया, तो ये सब हाइपोथेटिकल केसेस में दिखाना पड़ेगा कि 2-3 दिन पहले जो भी जैसे होगा, तो डिस्क्रीट में लेकिन फर्क पड़ता है, डिस्क्रीट में लेस देन एन का मतलब क्या है, एन माइनस वन, कंटिन्यूस में लेस देन 10 का मतलब क्या है, 9.9999999, बट अपने फॉर्म वही रख रहे हैं ताकि अपने को कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है कॉपी करिए इसको। सिमिलरली इस केस में अपने क्या करेंगे, ए बार एक्स वन एन, सो दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से एन वी टू द पावर टी टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी, यही आएगा ना, अभी अपने जैसे वहां पर सिंप्लीफिकेशन किए थे सेम यहां पर भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो तुम लोग मेरे को बताएगा क्या चीज प्लस माइनस होगा, प्लस अभी अपने करेंगे इंटीग्रेशन एन टू इंफिनिटी, फिर माइनस में करेंगे इंटीग्रेशन एन टू इंफिनिटी, टिक मार्क लगाते हैं, इसका और इसका मिलन क्या हो जाएगा, होल लाइफ ए बार एक्स, अपने को इसके लिए डील करना है, हाँ मैं आप लोग को आज एक ट्रिक सिखाता हूँ कि सोचते कैसे हैं, ठीक है ध्यान देना, देखो ये जो एन टू इंफिनिटी है, बहुत बहुत मैंने दिमाग लगा के सोचा, अपने को इसको होल लाइफ में कन्वर्ट करना है, तो होल लाइफ का लिमिट्स क्या होता है, जीरो टू इंफिनिटी, तो बेसिकली जो एन टू इंफिनिटी है अपने को उसको जीरो टू इंफिनिटी करना है, तो ऊपर वाला तो मिल गया, नीचे वाला को मिलाना है, तो नीचे वाला में जहां पर n है उसकी जगह में क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, जो नया होगा, नया जो नया वेरिएबल होगा दैट विल बी व्हाट, पुराना माइनस n, जो नया वेरिएबल अपने डिफाइन करेंगे दैट विल बी व्हाट, पुराना माइनस n, ताकि क्या होगा जब नया वेरिएबल में अपने वैल्यू पुटिंग करेंगे तो
तो जब एन डालेंगे तो क्या आएगा, जीरो। पुराने का वैल्यू डालेंगे ना, पुराना में अभी क्या चल रहा है, टी। पुराना में क्या चल रहा है बताओ, अपने नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं वाई इज व्हाट, पुराना माइनस एन ना, तो डी वाई अपना क्या आ जाएगा, डी टी। एंड जब आप देखोगे टी के जगह में एन है तो वाई के जगह में क्या है, जीरो। जब टी के जगह में इंफिनिटी है तो वाई के जगह में क्या है, इंफिनिटी। आपका लिमिट चेंज हो गया, टी इज व्हाट, वाई प्लस एन, है ना। फिर अभी आपका वेरिएबल क्या बन गया, एन टी की वाई। तीन ऑप्शन दे रहा हूं, अपना वेरिएबल क्या बन गया, एन टी की वाई, जल्दी जल्दी बताओ। अरे पुराना वेरिएबल टी है, नया वेरिएबल क्या है, वाई। तो वाई अंदर रहेगा, बाकी सब चीज क्या आ जाएगा, बाहर। पहले इसको कॉपी करो, हाँ अभी कराऊंगा, कॉपी करिए। हमेशा लॉजिक ये रखना, क्या बनाना है और अभी क्या दिया हुआ है। अपने को दिया हुआ है एन टू इन्फिनिटी, उसको अपने को बनाना है जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। सर एक बार आप वर्बली बोलो कि लास्ट लाइन क्या लिखी आपने। हाँ अभी अभी करवा रहा हूँ, वापस से करवा रहा हूँ। ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला प्लस ये वाला इज व्हाट, होल लाइफ एश्योरेंस हो जा रहा है। अभी अपने को इसको ठिकाने लगाना है, तो इसको ठिकाने लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ठिकाने लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पुराना जो अपना वेरिएबल है टी, उसका लिमिट्स है एन टू इन्फिनिटी। अपने को इसको होल लाइफ में कन्वर्ट करना है, मतलब अपने को इसका लिमिट्स क्या चाहिए, अपने को इसका लिमिट्स चाहिए जीरो टू इन्फिनिटी। तो मैं बोल रहा हूँ ओल्ड से अगर मैं एन माइनस करूंगा तब मेरा न्यू आना चाहिए, ओल्ड है मेरा टी, न्यू है मेरा वाई, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, ये लो कॉपी हुआ, ए बार एक्स वन एन। हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, बस खाली टी के जगह में वाई प्लस एन लिख दिया है। टी के जगह में वाई प्लस एन आएगा ना, डी वाई विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, डी टी विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, डी वाई। जब टी का वैल्यू एन है तो वाई का वैल्यू कितना है, जीरो। जब टी का वैल्यू इन्फिनिटी है तो वाई का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो जीरो टू इन्फिनिटी हो गया। अब एक बात समझो, वेरिएबल क्या चल रहा है भाई, ये सब थोड़ा रिप्लाई करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या चल रहा है, वाई। तो वाई को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, बाहर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं y प्लस एन पी एक्स इज वॉट, फॉर एग्जाम्पल एन पी एक्स इंटू वाई पी एक्स प्लस एन, है ना। एंड v टू दी पावर y प्लस एन है, ये वाला पहले यहां तक कॉपी करो, ये नोट में आएगा, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए लिखा है। कॉपी करो, कॉपी करो। नोट में, हाँ हाँ क्या क्या बाहर आएगा, जो बच्चा बता दिया वो पास है। अब अंदर वाला पार्ट में अगर अपने गौर करेंगे तो x के जगह में क्या है, x प्लस एन, बाकी सब तो सेम ही है। वेरिएबल में t लिखो y लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये अपना क्या बन गया, a बार x प्लस एन। कॉपी करिए इसको, इसके साथ ही साथ अपना क्या हो गया, डेफर्ड होल लाइफ एश्योरेंस भी हो गया, है ना। क्योंकि डेफर्ड में क्या होता है, एन टू इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, डेफर्ड होल लाइफ एश्योरेंस में और प्योर एंडोमेंट में क्या फर्क है, सोचो। अरे ये सब ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे से लोग पैसा दे के ज्ञान लेने आते हैं। सिंपल सिंपल बताओ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में बताओ। हाँ बोलो,
तो इंटीग्रेशन के मामले में बता रहा हूँ, मैं थ्योरी बता रहा हूँ। थ्योरी तो मेरे से लोग पैसा देके लेने आते हैं, इंटीग्रेशन में बताओ मेरे को, जो सुनना है मेरे को वो समझाओ। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, प्योर एंडाउमेंट में और डेफर्ड होल लाइफ इंश्योरेंस में, सोच के बताओ। इंटीग्रेशन जिसका आ रहा है उसी का आ रहा है, सिर्फ एक छोटा सा रिप्लेसमेंट है और कुछ भी नहीं है। डेफर्ड होल लाइफ इंश्योरेंस में और प्योर एंडाउमेंट में सिर्फ एक छोटा सा रिप्लेसमेंट है, सोच के बताओ। एक छोटा सा रिप्लेसमेंट है, स्मॉल है और बड़ा है। न, अरे क्या लॉजिक बना तनिष तुम्हारा बात का, डेफर्ड होल लाइफ इंश्योरेंस में वी के पावर में टी आएगा, बट प्योर एंडाउमेंट में वी के पावर में एन आएगा। ये क्लास के स्टार्ट में मैं बताया तुम लोग को, क्यों बोलो तो, क्योंकि प्योर एंडाउमेंट में आपको कब मरना है, एन के बाद। डेफर्ड में कब मरना है, एन के बाद, तो एन टू इन्फिनिटी दोनों में हो रहा है, मरने का पीडीएफ आ रहा है। बट प्योर एंडाउमेंट में आपको पैसा मिलेगा टर्म के एंड पे, विच इज वी टू द पावर एन, और कोई टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा। बट डेफर्ड होल लाइफ में आप जब मरोगे तब आपको पैसा मिलेगा वी टू द पावर टी। अभी दिखाएंगे तब समझ में आएगा। ये ला कॉपी किया, ये ला कॉपी किया, तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए बार एक्स वन एन इज ए बार एक्स माइनस वी टू द पावर एन एन पी एक्स ए बार एक्स प्लस एन। इसके बाद हेडिंग लगाना प्योर एंडाउमेंट, इसके बाद हेडिंग लगाना प्योर एंडाउमेंट। इसके बाद आप हेडिंग लगाना प्योर एंडाउमेंट। ये ला हुआ सबका कॉपी, बोलो हाँ या ना। यस प्राणित बोलो। और सर टू टू ए बार वाला एक ही बात है, टू ए बार एक्स वन एन, मैं हर चीज नहीं कराऊंगा, टू ए बार एक्स माइनस वी टू दी पार टू एन एन पी एक्स टू ए बार एक्स प्लस एन, सिंपल है। ये बात तो बच्चा दिल पे ले लिया, मैसे बोले ना हम हर चीज नहीं करेंगे, बोला पैसा दिया है। कॉपी हो गया, तो प्योर एंडाउमेंट में पीवी आरवी क्या आएगा, जीरो इफ टी एक्स इज लेस देन एन, वी टू द पावर एन इफ टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो इस केस में क्या बनेगा, एन टू इंफिनिटी वी टू द पावर एन टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी। सर तो इसका मतलब ये हो गया कि प्योर एंडाउमेंट में इमीडिएटली का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, सोच के देखो। प्योर एंडाउमेंट में एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ हो या इमीडिएटली ऑन डेथ हो, मेरे को तो उससे घंटा फर्क पड़ता है। क्यों घंटा फर्क पड़ता है, एक सेकंड उसको बोलने दे। हाँ बोल, कुछ भी बोल दिया और कुछ, क्यों इमीडिएटली इज मीनिंगलेस इन प्योर एंडाउमेंट। भाई पैसा तो एक ही टाइम पे मिल रहा है, तुम लोग क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं, पैसा तो एक ही टाइम पे मिल रहा है, पहले बात छोड़ो ना। तुम 17 पे मरो, 18 पे मरो, 20 पे मरो, 25 पे मरो, 25.5 पे मरो, कभी भी मरो, हम लोग क्या चेक करेंगे कि टर्म के एंड पे तुम जिंदा हो कि नहीं हो। जिंदा हो तो पैसा लेके जाओ, नहीं तो मत आओ, सिंपल है। So this is v to the power n integration n to infinity tpx mu x plus t dt, ठीक है। इसका एक बार रुको, इसका मतलब देखो, ये क्या चीज का पीडीएफ है, मरने का, tpx mu x plus t। तो मैं बोल रहा हूं मर, किसके किसके बीच में मर,
तुमको अभी मारेंगे भी हम, किसके किसके बीच में मर, एन से इंफिनिटी के बीच में मर, तो कब मत मर, जीरो से एन, तो जीरो से एन के बीच में नहीं मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पढ़ का जाएगा, मैं बोला मर, किसके किसके बीच में मर, एन से इंफिनिटी के बीच में मर, तो कब मत मर, जीरो टू एन और जीरो टू एन के बीच में नहीं मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एनपीएक्स, कम ऑन गाइस, व्हाट इज दिस, बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज दिस यार, कम ऑन, वो क्या बोला, बोला वन से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, फिर देखा ये जो इससे उससे आ जाएगी ना, इससे लड़की नहीं पटेगी भाई, देखो सीधा बोलना है आई लव यू बस, हाँ नहीं होता ऐसा, हाँ नहीं, दो तीन दिन बात कर लो और क्या, छह महीना बात कर लो, मेरा हाँ एक्चुअली सामने से ऐसा रिप्लाई आया कि आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू, हम बोला भाई ये सब तो मेरे को ना समझ में आता हाँ हम तो बोले ना, अभी हम कहाँ झूठ बोले, हम तो बोले, हम बोले आई लव यू क्योंकि हम तो यही सुना था, अब हमको ये सब थोड़ी पता है कि आई लाइक यू और ये सब सब, हम लोग चटिया बॉय स्कूल का पढ़ा हुआ, हम लोग लड़की देखा ही पहली बार ग्रेजुएशन के बाद, हाँ मॉर्निंग बॉयज, उसमें भी सुबह 6 बजे लड़का लोग बाल खड़ा करके आता है पता नहीं क्यों, मॉर्निंग 6 AM का कॉलेज था मेरा, सुबह 6 बजे, तो कॉलेज आ रहा है सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे भाई, क्या भाई सुबह 6 बजे तो कॉलेज आ रहा है ना, 10 बजे तो बाल बैठ जाता होगा उसका, एक बार मैं रूम में अकेले था, मैं पढ़ रहा था, तो एक मेरी फ्रेंड का फोन आया, तो हमको बोली आर यू सीइंग समवन, तो बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले का बात हो गया, तो हम बोले नहीं रूम में कोई नहीं है, तब मेरे को पता चला इसका मतलब क्या होता है, छोड़ो भाई सब तो पुराना बात है, हटाओ, हाँ ठीक है, ये देखो तो वी टू दी पावर एन एनपीएक्स है, अभी इसमें एक नोट लिख लो, इन प्योर एंडाउमेंट बार इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का स्पेलिंग ठीक है क्या, मीनिंगलेस, हाँ ठीक है, इन प्योर एंडाउमेंट बार इज मीनिंगलेस, समझ गया ना, क्योंकि बार लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेमेंट का टर्म क्या है, एंड ऑफ द टर्म, ठीक है ये हो गया, अब इसमें 2a bar x n के ऊपर 1 इज व्हाट, v टू द पावर 2n npx, और ये वाला जो होगा दिस इज a बार x n1, लक्ष्य गुप्ता ठीक है, ठीक है ये ला हुआ, अब इसके बाद एंडाउमेंट इंश्योरेंस इज व्हाट, टर्म इंश्योरेंस प्लस प्योर एंडाउमेंट, ध्यान से देखो ए बार एक्स, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, ए बार एक्स एन इज ए बार एक्स वन एन प्लस वी टू द पावर एन एन पी एक्स,
कॉपी कर लीजिए इसको, यहां तक कॉपी हो गई ऊपर तक। इसका जो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल बनेगा v टू द पावर टी एक्स इफ टी एक्स इज लेस देन n, v टू द पावर n इफ टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, v टू द पावर मिनिमम टी एक्स कॉमा n, जो पहले होगा, जो पहले होगा। यस प्राणित सर, एक बार आप वो बता दोगे कब x के ऊपर में 1 आता है और कब n के ऊपर में 1 आता है? x के ऊपर में 1 आएगा टर्म इंश्योरेंस में, क्योंकि लाइफ स्टेटस पहले फेल होगा ड्यूरेशन स्टेटस के, एंड n के ऊपर में 1 आएगा प्योर एंडोमेंट में, क्योंकि ड्यूरेशन स्टेटस पहले फेल होगा लाइफ स्टेटस के बाद में, मतलब ड्यूरेशन स्टेटस पहले फेल होगा, लाइफ स्टेटस बाद में फेल होगा, जो पहले फेल होगा उसके ऊपर में 1 आएगा, उसके ऊपर 1 आएगा। हां ठीक है सर, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं होता, दिखाओ देख लेना एक बार, दो मिनट हम लेट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। स्प्रे अब तुम्हें को नहीं आ रहा है या तब नाक में घुस चुका है? हाँ हाँ सही तो लिखा है, देख सिंपल तरीके समझो, इसमें कंफ्यूजन का बात नहीं है। एक्स जो है ना वो है हमारा लाइफ स्टेटस, ठीक है, और एन जो है वो है हमारा ड्यूरेशन स्टेटस, ठीक है बस। सो टर्म में एक्स के ऊपर 1 आ रहा है एंड प्योर में एन के ऊपर 1 आ रहा है। 1 मतलब क्या? पहले खत्म होगा, ठीक है। कॉपी हो गया क्या? इसके बाद ही लगाना डेफर्ड होल लाइफ इंश्योरेंस, श्योर। पानी देना, तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल 0 इफ टी एक्स इज लेस देन एन, वी टू द पावर टी एक्स इफ टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, है ना? तो n deferred a bar x is what? n to infinity तुम जो पूछा था ना, बताइए वापस से। v to the power t यहां पर आ रहा है और प्योर एंडोमेंट में क्या आया था? v to the power n आया था, बाकी पूरा चीज सेम है। इसका जस्ट अभी हम लोग बनाए v टू द पावर n npx a बार x प्लस n, कुछ याद नहीं करना है भाई, तुम पैसा दिया है ना पूरा, कुछ बाकी है भेज है ना बस, ठीक है। हाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, तुम लोग टेंशन मत लो। हाँ हर टर्म में बैन होता है,
हम लोग कैसे 1000 बच्चों लोग देते हैं, 2% 3% बच्चों लोग बैन हो जाता है हर साल। कुछ भी कर सकता भाई ये लोग। तनिष्क हाँ बोलो सर, ये लास्ट में जाके हम लोग ये एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की टेबल बना सकते हैं इतनी सारी पॉलिसीज की। कुछ नहीं करना भाई, तुमको रटना थोड़ी है, वो काम मेरा है, तुम पैसा दे दिया ना, रिलैक्स करो, कुछ नहीं करना है तुमको, रिलैक्स करो, ठीक है। एंड डेफर टू ए बार एक्स वी टू द पावर टू एन एन पी एक्स टू ए बार एक्स प्लस एन। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग लगाना क्लेम्स एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि बार भी तो नहीं दिया हुआ है, बार भी तो नहीं दिया हुआ है, तो बार से प्लेन में जाना पड़ेगा ना, तो हेडिंग लगाइए क्लेम्स एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेशन। ध्यान देना, इसमें हम लोग अज्यूम करेंगे मिडिल ऑफ द ईयर पे डेथ हो रहा है। ए बार एक्स का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली ऑन डेथ होता है ना, तो हम लोग मान के चल रहे मिडिल ऑफ द ईयर पे डेथ हो गया, तो वी टू द पावर 0.5 इंटू क्यू एक्स प्लस वी टू द पावर 1.5 इंटू पी एक्स क्यू एक्स प्लस 1 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इसको अपने को एंड ऑफ द ईयर बनाना है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, वी टू द पावर 0.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो v टू द पावर 0.5 बाय v टू द पावर 0.5, अंदर में सेम चीज रहेगा, अब ऊपर वाले को अंदर ले जाओ, ठीक है, तो क्या आएगा 1 बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर हाफ ईयर इज वी क्यू एक्स प्लस वी स्क्वायर पी एक्स क्यू एक्स प्लस 1 प्लस डॉट अप टू इंफिनिटी, राइट। So 1 by discounting factor for half year is what? Accumulation factor for half year and ये अंदर वाला क्या है? AX. स्वाति टॉपिक देख के बुखार हो गया? ये तो वैसे माता पकड़ रही है इसलिए मुझे। ठीक है? तबीयत? तो क्या करना है, v to the power 0.5 से मल्टीप्लाई, खाली मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, डिवाइड भी करना पड़ेगा, एडजस्ट किया उसको, एंड 1 बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर हाफ ईयर इज व्हाट, अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर हाफ ईयर। ठीक है, कन्वर्ट हुआ, यही सेम चीज को अपने लगा सकते हैं टर्म में, कॉपी हो गया क्या, यही सेम चीज को लगाएंगे टर्म में, सो ए बार एक्स वन एन इज 1 प्लस आई टू द पावर 0.5 ए एक्स वन एन, यही सेम चीज को लगाएंगे और किस में, जल्दी जल्दी बोलो बोलो, डेफर्ड में लगाएंगे, हाँ क्या, किस में लगाएंगे, एंडोमेंट में लगाएंगे, एंडोमेंट में लगाएंगे, यस और नो, हाँ एंडोमेंट में लगाएंगे, यस और नो, प्योर एंडोमेंट तो लगता ही नहीं है, तो बता ही दिया कि बार एंड बिना बार सब बराबर है। ठीक है, इसको पहले कॉपी करो, ये समझा ये कैसे हो रहा है, ये 1 प्लस आई टू द पावर 0.5 है एंड ये तो नॉर्मल क्या है, एंड डेफर्ड एएक्स है। ठीक है, प्योर एंडोमिनेंट तो कोई मतलब ही नहीं है, भूल के भी मत लगा देना, पूरा धज्जी उड़ा देगा मेरा और पूरा सब्जेक्ट का सबका। ठीक है, अब एंडोमेंट एश्योरेंस का बात कर लेते हैं, तो एंडोमेंट एश्योरेंस में क्या प्रॉब्लम क्या पता है, ये क्या होता है, टर्म एश्योरेंस प्लस प्योर एंडोमेंट। ठीक है, तुम लोग क्या सोच रहे हो,
a bar xn is 1 plus I to the power 0.5 a xn, बट ये ऐसा होगा नहीं, ये ऐसा होगा नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं होगा, ये ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्योर एंडोमेंट में तो नहीं लग पाएगा, इस पे लग जाएगा, तो इसीलिए कंटिन्यूअस में है ना, तो पहले दोनों को कंटिन्यूअस के फॉर्म में तोड़ो, जैसे कि कॉपी करो पहले यहां तक, ऊपर वाला कॉपी हो गया सबका, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ए बार एक्स एन है ना, तो पहले करना पड़ेगा a बार x1 n प्लस v टू द पावर n npx, ठीक है समझा। तो ये वाला पार्ट में कुछ नहीं लगेगा, ये वाला पार्ट में कुछ नहीं लगेगा, और ये वाला पार्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 प्लस i टू द पावर 0.5 ax1 n, क्योंकि टर्म एश्योरेंस में लगेगा अप्रोक्सीमेशन, बट प्योर इनवर्ट में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई टू दी पावर 0.5 एक्स वन एन प्लस वी टू दी पावर एन एन पी एक्स, पूरा पे नहीं लगेगा डायरेक्ट, इसके ऊपर वाला सब कॉपी हो गया ना, यस प्रणित। सर ये तो क्लेम एक्सेलरेशन है, इससे हम बस k वाले वेरिएबल्स को t वाले वेरिएबल्स बना रहे हैं, t को k बना रहे हैं, या फिर वेरिएबल्स को नहीं बना रहे, सिंपली एक एप्रोक्सीमेशन है, अज्यूम करें मिडिल ऑफ द ईयर डेथ k से t। भाई एक मेरा बात सुनो, एक बेसिक लॉजिक लगाओ, ठीक है, जो पैसा पहले तुम एंड ऑफ द ईयर पे दे रहा था, अब वो तुम इमीडिएटली ऑन डेथ दे रहे, तो इमीडिएटली मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऑन एवरेज मिडिल ऑफ द ईयर डेथ होगा, क्योंकि 12 महीना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, कोई एक महीना बाद मरेगा, कोई दो महीना बाद, कोई तीन महीना बाद, कोई चार महीना बाद, कोई बारह महीना बाद, तो एवरेज में क्या आएगा, मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है, ठीक है सर। कुछ भी हो सकता भाई। हाँ राघव सर, ये तो समझ आ गया कि मिडिल ऑफ द ईयर में डेथ हो रहा है, तो जो लास्ट का पार्ट है वीएन एनपीएक्स, उसका मतलब बीच में रोल हुआ इस फॉर्म लेके, ये वाला पार्ट करेक्ट, यस सर। भाई ये तो प्योर एंडोमेंट है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मिडिल पे हो, एंड पे हो, क्वार्टर पे हो, महीना पे हो, नहीं हो, उसको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है सर। अब ध्यान देना, ये तो ठीक है, टेबल बुक निकालिए, एम 92, ठीक है, ए बार 40 निकालना है एट द रेट 4%, तो सिंपल है, 1.04 टू द पावर 0.5 ए 40 एट द रेट 4%, कॉपी हो गया क्या ऊपर वाला, हाँ इसको करेंगे a बार 4120 प्लस v टू द पावर 20 p40, अगेन तोड़ो, a बार 4120 इज व्हाट, 1.06 टू द पावर 0.5 a40 माइनस v टू द पावर 20 p40 a60। चलो सॉल्व कर लो इसको, पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है बताइए, पहले वाले का आंसर हर्षिता ने दे दिया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, 0.235126।
मैं ट्राई करता हूँ प्रोजेक्टर को थोड़ा ऊपर करके उस तरफ लगाने का। देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, इसको उधर करना पड़ेगा और इसको उधर करना पड़ेगा। दूसरे वाले का आंसर बताइए। ए बार 36,118 @6%, इसका क्या हो जाएगा? 1.06 to the power 0.5, ए 36 माइनस वी टू दी पार 36, 36 पी 18, ए 54। दूसरे वाले का आंसर कितना आ रहा बताइए। पांच मिनट का टाइम ले लो, करो। सर वी टू दी पार 18 नहीं होगा वहां पे?
चलो आओ, अभी भी एक सेकेंड, सेकेंड वाले का क्या आ रहा है? 0.321 और इसका वाले का 0.07। ठीक है सर। हाँ लक्ष्य सर, वी की पावर 18 नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऊपर वाले में वी की पावर 20 था। हाँ ये मैंने गलत किया है सर, ये मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, जो नहीं देखा उसका गलती है, मैं तो गलती कर ही सकता हूँ। वी टू दी पावर ये वाला उल्टा लिख दिया एक्चुअली, सॉरी। ये बोलता है अरे हाँ, वेरी गुड। कौन बताया मेरे को? लक्ष्य गुप्ता ना सर, मैंने पहले बताया तब तक आप जा चुके थे। अच्छा देखा, नाम मम्मी पापा नाम क्या रखा देखा बेटा का, लक्ष्य, मैंने पता है उसका जन्म हुआ ही लक्ष्य को भेजने के लिए, तो नाम ही रख दे एकदम ऑन स्पॉट। कितना आ रहा है लक्ष्य तुम्हारा आंसर? ए भाई सर 0.015 डबल सर, 0.015 डबल वन डबल सेवन। हंस लिया, ठीक है बस, ठीक है बढ़िया बात है, चीप जोक्स क्रैक करते रहे। कितना आया? सोने आई हो? ए बार 4120 कितना आ रहा है? ये दूसरा वाला सही आ रहा है क्या? ए बार 4020 ये वाला, कितना आया था लास्ट वाले का? नहीं किया तो दोबारा करना, सेवा भाव से कर ले भाई, मैं तेरे को देख के लग रहा है मेरे को कि तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा है अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करना है भाई, लाइन से निकालते चल, 36118 36119 36120 लाइन से निकालते चल। अभी एक इंक्वायरी से बात करके आया हूँ मैं, डेमो लेक्चर भेज दूंगा और क्लास खत्म होते के पहले तक क्या होगा? देखा, ही नोज इट। तुम लोग सब बनाओ, गलत आएगा ये दोबारा से। बोलो बोलो बोलो, ये नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है ढंग से बताओ आंसर। ए बार 4020 का क्या आ रहा है? 0.3216 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है? ना कोई ऑनलाइन में तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, अरे ऑनलाइन वाला लोग क्या हो गया तुम लोग को, गुस्सा हो गया क्या तुम लोग, बोलो। जीरो पॉइंट 0.014075 नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, तुम लोग क्या करना चाह रहे हैं? 0.014, अब देखो प्राणित बोल रहा है 0.0166 होगा, क्या लड़ लो आपस में, कितना रहा तुम्हारा भाई? बैठने से नहीं होगा, हम तो ऐसे मजाक में बोले थे फीस दे दिया तो पास हो जाएगा, तुम तो सच में ले ली,
तुम तो सच में बैठ गई, वो तो मैं ऐसे एडमिशन लेने के लिए बोलता हूँ। लक्ष्य गुप्ता एकदम डेटामाइंड है, बोल रहा है सर 0.0177 से हिलिएगा मत। देखा तुम वापस से करो इसमें, करवा तो दे, और क्या करवाना है इसमें। ए 36 का वैल्यू देखो, वी टू दी पावर 18, 18 भी 36 का वैल्यू देखो, और ए 54 तो नॉर्मल हो रहा है इसमें, मैं करवा क्या दूं। लो 18 भी 36 एल 54 हाँ पॉइंट 0.015। लक्ष गुप्ता चैट बॉक्स में चार पांच बार लिख दिया है 0.0157, समझ रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, हमको डर लग रहा है। हाँ तो वही आंसर होगा फिर अपना, बाकी कोई लिखा ही नहीं है, है नहीं है क्लास में, हाँ सर ना सर कुछ तो बोलो। 0.0157 आया क्या? तुम्हारा नहीं आया ना? अरे तेरे पीछे से वापस करो, जब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक या तो तुम टूट जाओ या फिर सम टूट जाए। आ गया ना? दोबारा लिखा है लक्ष्य गुप्ता, बोला सर 0.0157 से हिलिएगा मत। अब ऑनलाइन में आंसर के बौछार आ गए, 0.01576 तेजस संगोई, अंश जैन, प्राणित नालायक उसका अभी तक नहीं आया, ठीक है, खुशी जैन का आ चुका। सर बोलो। सर हमने 18 पे 36 को लिया, 36 पे 18 वोट डालो। भाई 36 साल का आदमी 18 साल का पॉलिसी लिया है ना, मैं तो गलत किया तो तुम बार बार ऐसे गलती को बार बार बोलते रह गए पब्लिक में, अच्छा ये तो चिढ़ाने वाला बात हो गया। नहीं नहीं सर सॉरी, वी टू दी पावर 18, 18 पी 36, लाइफ के स्ट्रेस में उल्टा लिख ही सकता आदमी कभी। सर वही एरर आ रहा था मेरा, देखा बोल रहा वही एरर आ रहा था मेरा। हाँ क्या नहीं, एक्चुअली मेरा माइंड अभी उसमें था, एडमिशन में था, मैं बहक जाता हूँ, मैं क्या करूं, ऐसे डोंट लीव एनी क्वेरी। देखो क्लास खाली है, बच्चे बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ पुल के लाइन से बैठा देंगे, चटाई बैठा के यहाँ बैठा दूंगा, मेरे चेयर पे बैठा दूंगा, खड़े होकर पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बताओ हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बार नहीं नहीं रुको, ए बार नहीं, रुको 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 रुको, सोचने दो क्वेश्चन में। ए देखना एक दिन ऐसे ही तुम बोलोगे आ भाई पेपर क्लियर हो गया, आ भाई मैं बन गया एक्चुअली, आ भाई गाड़ी ले ली मैक्लारेन, आ भाई दुबई में पेंट हाउस। ए 45.15 एट द रेट 8.16%, ए 45.15 एट द रेट 8.16%। कल बहुत ही इलॉन्गेटेड डिस्कशन हुआ था कि एक बार अगर 8.16 में टानेंगे इससे बढ़िया है दो बार चार पे टानो, तो दिस इज नथिंग बट ये एक, ये क्या है बताओ,
ये चुड़ैल है, ये ही पकड़ेगा तुम लोग को एग्जाम में। ये है 2A4515@4%। तो इसको अपने तोड़ेंगे, सो 2A45 - V^2, जो बच्चा बता दिया V^10, V^2n, 5P45, 2A50। चलो सॉल्व करो इसको। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज हमने कंप्लीट किया एश्योरेंस, हमने कंप्लीट किया बेसिक KX TX बेसिक प्रोबेबिलिटीज। कल का क्लास जो मिस आउट कर दिया, आई एम सॉरी। देखो आज दो जन डांडिया खेलने गए हैं, उपाय नहीं है, मैं क्या करूं। वो दो जन नहीं आए ना, अरे वो लोग बोले थे ना घाघरा पहन के आएंगे क्लास में, थोड़ी को घाघरा पहना है, उपाय नहीं है। देखो कृपा एक दिन क्लास में आई फिजिकल, फिर दूसरे दिन ऑनलाइन, और आज ऑनलाइन से भी बाहर। मैं क्या करूं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्लास मिस मत करो। क्लास, हाँ खुशी जैन, खुशी जैन का आंसर आ चुका है। क्लास मिस करना और सिगरेट पीना दोनों एक जैसा है। यस यस, एक दिन पिएगा ना भाई तो लगेगा बस, फिर तुम अगला दिन दोबारा पिएगा। आंसर पहले बता दे, ठीक है बताओ। 0.007 खुशी जैन ने दिया है आंसर, खुशी जैन ने जीत लिया है। ओ लक्ष्य गुप्ता का आंसर हुआ गलत, 0.00712 1157। हाँ L5 कहां से आ रहा है भैया, 5P45 इज व्हाट L50 बाय, तुम्हारा दिमाग घूम चुका है ब्रो। मैं जो बोल रहा था ध्यान से सुन लेना, सिगरेट पीना और क्लास एब्सेंट करना दोनों एक समान है। कभी भी कॉलेज में कोई बोले ये ले एक ड्रैग लेगा, मना कर देना, कूल मत बनना उस समय। जीवन भर नहीं छोड़ पाएगा ये बात याद रखना। नेगेटिव आ रहा है, पूजा कराओ कैलकुलेटर का, घर के बगल में कौन सा मंदिर है, तुम 3 दिन मंदिर चली जाओ फिर देखो तुम्हारा एक बयान से गलत नहीं आएगा, और कैलकुलेटर लेके जाना। पंडित जी को बोलना कैलकुलेटर का पूजा कर देंगे। यस हाँ, नहीं नहीं मंदिर में पेपर कैसे देना। आया दोबारा करो, दोबारा करो, जब तक नहीं आया दोबारा करो। तेजस संगोई ने दे दिया है, हर्षिता ने दे दिया है, लक्ष्य गुप्ता ने दे दिया है, अंश जैन ने दे दिया है, खुशी जैन ने दे दिया है, देवांश महाजन का भी आ गया है, वेरी गुड। भूमिका चांडक लिख रही है 0, टेस्ट के नंबर नहीं बनाने थे, बताने थे अभी से। ओ वो एक्चुअली टाइप एरर हो गया है, 0.00712। क्या बोला, बहुत ज्यादा बोल रहा है,
आज तुम लोग किए हो पूरा टाइम पास, मैं सोचा था एनवीटी चालू कर दूंगा, यही सब में तुम लोग आपस में तुम लोग सब बात कर लिया है, छोड़ो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। चलो ठीक है, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो 4 PM।